हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैट टॉक्स। आज हम बात करेंगे महिलाओं में इस्तेमाल की जाने वाली एक टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट। नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम से बनाई जाने वाली दवा है। नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट 5 mg, 10 mg व 15 mg कंट्रोल्ड रिलीज में देखने को मिलती है। नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा पेशेंट को प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। यह मेडिसिन मुख्यतः महिलाओं में गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा इरेगुलर पीरियड व पीरियड्स को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल में करवाई जाती है। इसी के साथ यह दवा गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा तब प्रेस्क्राइब करवाई जाती है जब मुख्यतः अगर बात करें आइडियल पीरियड ड्यूरेशन की, तो यह 28 दिन से या तो कम रहता है या 28 दिन से ज़्यादा। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर्स द्वारा यह दवा महिलाओं को गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। इसी के साथ यह दवा बिफोर द पीरियड्स, पीरियड से पहले महिलाओं में होने वाले प्री मैंसुरेशन सिंड्रोम, जिसमें कि महिलाओं में चेस्ट पेन, हेडेक, मूड डिस्टर्बेंस जैसी समस्याओं का होना जैसी स्थिति में भी यह दवा गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट के डोजेस के बारे में। डोजेस की अगर हम बात करें, तो यह डॉक्टर्स द्वारा डिफरेंट कंडीशन में व डिफरेंट डिजीज़ में पेशेंट के एनालिटिकल रिपोर्ट के बाद ही डोज स्ट्रेंथ पेशेंट को प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल डोज की, जो कि महिलाओं द्वारा पीरियड्स को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल में करवाई जाती है, तो यह दवा पीरियड्स के आने के 72 घंटे यानी कि 3 दिन पहले से दिन में एक बार इस्तेमाल में लाई जाती है। पेशेंट की तकलीफ को देखते हुए यह दवा डॉक्टर्स द्वारा दिन में 1 से 2 बार भी इस्तेमाल करने के लिए पेशेंट को इसकी सलाह दी जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट को इस्तेमाल करने के दौरान सावधानियों के बारे में। प्रिकॉशन में अगर हम बात करें, तो इस दवा को प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए, या फिर जो मरीज प्रेगनेंसी की प्लानिंग में हों, वह भी इसका इस्तेमाल ना करें। साथ ही इस दवा को ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई मरीज क्रोनिक डिजीज़ से ग्रसित हो, तो उसे डॉक्टर्स की देखरेख में या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई मरीज नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट के इस्तेमाल से एलर्जिक रहा हो, तो उसे भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह उन मरीजों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या डॉक्टर्स की देखरेख में करना चाहिए, जो पेशेंट माइग्रेन, डायबिटीज़ व एपिलेप्सी से गुजर रहे हो, या इस तरह की कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो। नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट की इंट्रोडक्शन, यूजेस, डोज व प्रिकॉशन के बाद अब हम बात करते हैं नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें, तो इसमें मुख्यतः पेशेंट में स्टमक प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम, पेशेंट में नर्वसनेस या यहां तक कि पीरियड्स ब्लॉक होने की भी समस्या पेशेंट में हो सकती है। साथ ही पेशेंट में एडेमा, जैसे कि फ्लूइड्स इन टिश्यूज़ का होना, वो एनोरेक्सिया, ज़्यादा थकावट का होना, साथ ही हैवी ब्लीडिंग के साथ दर्द का होना, वो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्पॉटिंग, जिसमें मेंसेस का साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकता है। साथ ही इसके अन्य साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में डिप्रेशन का होना, रेस्टलेसनेस, टेंडरनेस इन ब्रेस्ट व ग्लेक्टोरिया, जैसे कि ब्रेस्ट से मिल्क का आना, क्योंकि यह एक हार्मोनल दवा है। साथ ही पेशेंट में वॉमिटिंग व बॉडी वेट में चेंजेस का होना, यह कुछ मुख्य साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट में हो सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, किसी भी दवा का सेल्फ मेडिकेशन खुद से ना करें व नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट का इस्तेमाल गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा या अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करें। नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट
जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि यह अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम से बनाई जाती है, जैसे कि नॉर्लुट एन या फिर अन्य सभी प्रकार के ब्रांड नेम से यह दवा मार्केट में अलग कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना नॉर्थेस्टेरोन टैबलेट के बारे में। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।